हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज मैं घूमने आ गया हूँ देहरादून और मसूरी। ठीक है, देहरादून हम सुबह निकले थे अराउंड 6 बजे के आसपास देहरादून जाने के लिए, और अभी पहुँचे हैं 2 बजे। और देहरादून में मैं घूमने वाला हूँ गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव। तो सबसे बढ़िया जगह है, 3500 रुपये की टिकट है मात्र। कल मैं घूमूंगा मसूरी, अभी देखते हैं टाइम बचता है, सहस्त्र धारा जाती है कि नहीं जाती, क्योंकि ये दो जगह मैंने सोची थी घूमने के लिए। रॉबर्ट केव बहुत प्यारी जगह है, अंदर आपको दिखाता हूँ क्या है, कैसे आप पहुँचोगे, वो सब मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा। मेरा होटल क्योंकि देहरादून में ही बुक्ड है, होटल राजपुर हाइट्स है, वो मेरा बुक्ड है। तो छोटी सी एक समरी मैंने आपको दे दिया भाई, देहरादून में गुच्चू पानी में मैं घूम रहा हूँ, रॉबर्ट्स केव बहुत प्यारी जगह है, जरूर आना। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अंदर क्या है, एंट्री मैंने आपको भी दिखानी है कि एंट्री क्या है, 3500 रुपये की इसकी टिकट है, और हम 5 बंदे आए हैं फैमिली के साथ। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं अंदर और आपको एक बार दिखाता हूँ गुच्चू पानी के नज़ारे। हिंदी में गुच्चू पानी बोलते हैं और वैसे इसका नाम है रॉबर्ट्स केव। ठीक है, तो आओ चलिए चलते हैं अंदर गुच्चू पानी के। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप सैंडल्स वगैरह पहन के आ रहे हैं, चप्पल पहन के आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर जूते पहन के आ रहे हैं, अंदर पानी में जाना पड़ता है, तो आपको 10 रुपये की यहाँ पे चप्पल मिलती है। ठीक है, 10 रुपये की चप्पल ले लेना, क्योंकि जूते वगैरह गीले हों, कपड़े गीले हों, और कैपरी या निकर पहन के ज़्यादा बेहतर है, तो जीन्स वगैरह गीली हो जाती है। चलो गाइस चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं गुच्चू पानी के नज़ारे। ये देखो दोस्तों गुच्चू पानी की एंट्रेंस, अब मैं आपको दिखाऊंगा अंदर। एक है केव और जहाँ पे हम जाने वाले हैं अभी सामने, ये रे देखो मम्मी पापा। ये देखो दोस्तों एंट्रेंस, कितनी बढ़िया एंट्रेंस है। भीड़ देखो यहाँ पे, एक तो इतनी ज़बरदस्त भीड़ है। ये है रॉबर्ट्स केव अपनी, अंदर जाएंगे वाटरफॉल देखेंगे, नहा भी सकते हो, फोटो वोटो खिंचाएंगे। देखो पानी, ये देखो घर वाले आ रहे मेरे, ये देखो सारे आ रहे हैं मस्ती करते। तो अंदर आपको दिखाता हूँ दोस्तों और क्या देखने को मिलता है, वाटरफॉल दिखाना है बेसिकली मेरे को आपको। ठीक है, पूरी अंदर केव है। ये देखो सामने दोस्तों वाटरफॉल, यही वाटरफॉल है जो सामने पानी भर के आ रहा है, ऊपर भी लोग जाते हैं, यही पे सामने वाटरफॉल ही रहा आ रहा है सामने, ये देखो। ठीक है, तो कैसी लगी जगह, ये देखो ये जा रहे मेरे सारे के सारे घर वाले, लोग ऊपर भी चढ़ जाते हैं यहाँ से जाने के लिए, वो देखो ऊपर भी खाने पीने की जगह है। तो यार बिल्कुल टनल के अंदर, बहुत अल्टीमेट जगह है आने के लिए, मस्त मस्त सी जगह है। 10 रुपये के चप्पल मिलते हैं, 3500 रुपये की एंट्री की टिकट है, गाड़ी नीचे तक मत लाना दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मेन एंड पॉइंट बस यही है, ये बहुत ऊपर से झरना आ रहा है, देख रहे हो, अल्टीमेट जगह है रॉबर्ट्स केव, देहरादून में है। लोकेशन डिस्क्रिप्शन के साथ मैं ब्लॉग में डाल दूंगा, मेरा जरूर ब्लॉग देखना। अब यहीं से हम लोग बाहर जाएंगे, देखो टनल के अंदर, देख रहे हो क्या सेक्सी टनल है एकदम, यार मज़ा आ गया सुन के एकदम देख के। तो बस यही, निकलते हैं बाहर, अभी देखते हैं कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद टाइम होगा तो सहस्त्रधारा जाएंगे, नहीं तो हम अपना होटल का टूर आपको दिखाऊंगा, फिर कल निकलेंगे सुबह मसूरी, और वहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोगों को सब बताता रहूँगा मैं। ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय गाइस, टेक केयर। ये देखो बाहर आते हुए मज़ा आ गया गाइस, मज़ा जरूर आना यहाँ पे। मैं बाहर का आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ, और हमने गाड़ी ना एक्चुअली रोड पे खड़ी करी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे खड़ी है, और एक्चुअली पार्किंग इसकी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्लॉग है मेरा, सिर्फ गुच्चू पानी का, भीड़ देख रहे हो आप, सारा पानी बह रहा है, देखो नीचे पानी के अंदर से चल के बस बाहर पहुँचते जाओ, बाहर आ गए हम निकल के, आपको बाहर का एक बार व्यू दिखाऊँगा। ये रहा, यहाँ से गए थे हम लोग दोस्तों अंदर गुच्चू पानी घूमने। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस, जूते वूते देंगे, और सॉरी चप्पल देंगे, जहाँ हमने जूते वगैरह उतारे हैं यहीं सामने हमने यहाँ पे उतारे हैं, और पानी की बोतल लेंगे और जाएंगे गाड़ी की ओर, फिर हम पहुँचेंगे होटल, वहाँ पे आपको दूंगा मैं होटल का टूर, और कल सुबह निकलेंगे मसूरी। लॉन्ग वीकेंड है, गांधी जयंती का टाइम है बेसिकली, ये परसों गांधी जयंती है, ब्लॉग मैं इसका थोड़ा लेट डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस खाने पीने का सब कुछ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मिलने वाला है, पार्किंग है, खाने पीने का है, पानी खाना चप्पल कपड़े चेंज करने का भी है, फुल एन्जॉयमेंट वाली जगह है अंदर। थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है यहाँ पे, क्योंकि ये देहरादून के बिल्कुल सिटी के हार्ट के अंदर बना हुआ है। तो बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, काफ़ी सारी मस्त जगह यहाँ पे घूमने के लिए और भी हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा, क्योंकि और मैं भी कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक, क्योंकि बाकी लोग ना यहाँ पे काफ़ी थक गए हैं, सही बताऊँ तो बहुत थके पड़े हैं, तो इसलिए सुबह के निकले हुए हैं, अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे रूम पे जाके, और कल निकलेंगे सीधा मसूरी। तो बाय गाइस, मिलते हैं होटल के टूर पे, और कल आपको दिखाते हैं मसूरी का मज़ा, ठंडे मौसम में मस्त घूमने। बाय गाइस, टेक केयर।